खरगोन जिले के सौमित्र नगर में किराए के मकान में 40 वर्षीय श्याम पाटिल ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने यह कदम उठाया है। हम आपको बता दें कि श्याम पिता कैलाश पाटिल मिठाई के बॉक्स बनाकर परिवार का पालन करता था, जिसके 3 बच्चे हैं। वही कामकाज के अभाव में आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने के बाद तनाव में आकर उसने मौत को गले लगाया। इस दौरान मृतक के भाई मोहन ने बताया कि काम धंधा बंद रहने से परेशान श्याम ने फांसी लगा ली है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सुबह की घटना है, हमारे बड़े भैया थे, लॉकडाउन के समय थोड़े डिप्रेशन में चल रहे थे, तो आज सुबह 6:30-6:30 के समथिंग फांसी लगा ली उन्होंने। घर पे सब सोए हुए थे। क्या मानसिक रूप से? मानसिक रूप से थोड़ा परेशान से, डिप्रेशन काफ़ी था उन्हें। शादी वगैरह भी? शादी 3 लड़के हैं उनके। कारण क्या रहा है? कारण कुछ वही डिप्रेशन में चल रहे थे, काम धंधा बंद था, लॉकडाउन के समय से काफ़ी डिस्टर्ब थे वो, उसके बाद से परेशान नहीं था। क्या नाम था? श्याम कैलाश पाटिल। काम क्या करते? काम मिठाई के बॉक्स वगैरह बनाते थे। आपका क्या नाम? मोहन कैलाश पाटिल। आप कौन हो? छोटा भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।